हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं टेक्निकल कुलमीत। आज मैं आपको अपने मोबाइल में आधार कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूं। आपको अपने आधार नंबर, नाम, पिन कोड और आधार कार्ड में रजिस्टर हुए नंबर को अपने पास रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में मोजिला फायरफॉक्स को डाउनलोड करना होगा। फिर मेरे मोबाइल में पहले से आप डाउनलोड करके इसे ओपन करें। फिर आपको ऊपर सर्च बार में UIDIA सर्च करना है और ऊपर देख रहे होंगे सबसे, वहाँ पे क्लिक करना है। गवर्नमेंटेड वेबसाइट है। अब यहाँ आधार पे क्लिक करना है आपको, ओके दबा देंगे। अब ये इसे काट देंगे हम। अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको आधार पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका 12 नंबर का आधार नंबर डालना है। कैप्चा नंबर डालना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड कंफर्म करना है। अब आपके मोबाइल पे OTP आएगा। अब आपको ऊपर से स्वाइप करना है। ये देखिए आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। अब PDF पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। तो बता दूँ दोस्तों, आपका जो नाम होता है उसके जो 4 लेटर होता है पहले का, उसे कैपिटल लिखना है। चारों लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें ईयर होता है उसको लिखना है, 4 अंक का। ओके, देखिए मेरा आधार कार्ड खुल गया है। ऐसे ही अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़।